दोस्तों, अगर आपको भारत के किसी भी मंदिर में पूजा पाठ करवानी है, चढ़ावा करवाना है, लेकिन आप हर मंदिर तक नहीं जा सकते, ऐसी कोई मान्यता है, आपको किसी भी मंदिर में कोई भी चढ़ावा चढ़ाना है डिजिटली, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे श्री मंदिर ऐप से पूजा और चढ़ावा करा सकते हैं और क्या क्या इस ऐप के फीचर्स हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ऐसी और मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्ले स्टोर से श्री मंदिर ऐप को हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से ओपन करते हैं। यहाँ से देखिए परमिशन को हमको अलाउ कर देना है। प्राप्त करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कुछ कॉइन्स हमको यहाँ पे मिल गए हैं दोस्तों। और यहाँ से देखिए, आप डिजिटली जैसे कि ऐप है, इसमें आप पूजा वगैरह भी कर सकते हैं, आरती वगैरह कर सकते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से आप अलग अलग भगवानों की आप रियल टाइम में इस तरीके से देखिए पूजा वगैरह कर सकते हैं। ये आरती का भी ऑप्शन आ रहा है, कुछ चंदा का और उसका सबका। और यहाँ पे कुछ आप म्यूज़िक भी बजा सकते हैं, ये देखिए यहाँ से फूल चढ़ा कर सकते हैं और इस तरीके से यहाँ पे देखिए आरती वगैरह हो सकती है। देखिए दोस्तों इस तरीके से, तो ये तो हो गया एक हम जनरली अपने डे टू डे यूज़ में, अगर हम कहीं बाहर रह रहे हैं, हमारे पास मंदिर का एक्सेस नहीं है हमारे घर में, तो इस ऐप से हम कर सकते हैं। ये तो फिलहाल कोई खास फीचर नहीं है, बट जो खास फीचर है उसके बारे में आपको देखिए बताना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पे पूजा का ऑप्शन है, प्लस का आइकन है और यहाँ पे चढ़ावा का ऑप्शन है। अगर दोस्तों आपको कोई भी पूजा वगैरह करानी है तो यहाँ से देखिए पूजा के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से देखिए लिस्ट आ जाएगी खुल के। ऊपर देखिए बुकिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखिए लैंग्वेज आप सेलेक्ट चेंज कर सकते हैं आपकी कोई भी रीजनल लैंग्वेज में। देखिए श्री मंदिर द्वारा आयोजित होने वाली पूजाएँ, आपके सामने की कुछ लिस्ट आ जाएगी। जो जो पूजा यहाँ पर श्री मंदिर ऐप की तरफ से करवाई जा रही है उसमें आप भाग ले सकते हैं। देखिए जैसे कि ये यहाँ पर देखिए आ रहा है ऑप्शन। साथ में देखिए आप और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से देखिए काल भैरव जयंती काशी विशेष, इसमें आप भाग ले सकते हैं। इसके आप देखिए लोकेशन देख सकते हैं कि श्री बटुक भैरव मंदिर काशी उत्तर प्रदेश में ये पूजा होने वाली है। डेट लिखा है 23 नवंबर को शनिवार, काल भैरव जयंती के जो है वो पर्व पर। इसमें अगर आपको भाग लेना है तो यहाँ से आप भाग लेने के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आप देखिए और नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे देखिए लिस्ट खुल जाएंगी, जहाँ जहाँ पूजा भी रिसेंटली होने वाली है वो सारी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। हम यहाँ से भाग लें के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ से आपके सामने कई सारी फ़ोटोज़ आ रही हैं, तो इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए अगर आप इस पूजा में भाग लेते हैं तो बिना किसी जो है एक्स्ट्रा पैसा दिए आपको जो है आशीर्वाद बॉक्स जो है वो प्राप्त होगा। अब यहाँ से देखिए आप डिटेल पढ़ सकते हैं, इसमें एक दिन दो घंटे इतना मिनट इतना सेकंड में ये शुरू होने वाली है ना, पूजा होने का शुरू होने का समय। पूजा के बारे में यहाँ पे देखिए बहुत सारी डिटेल दी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यहाँ से क्या आपको लाभ इससे होगा ये यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए ये आपको क्या क्या लाभ होगा इस पूजा से, इस पूजा की प्रक्रिया क्या है, देखिए ये भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मंदिर के बारे में जानकारी आपको चाहिए, यहाँ से मंदिर के बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों पैकेज का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूजा पैकेज चुने और यहाँ पे भी देखिए पैकेज का ऑप्शन है ऊपर के साइड में, पैकेज है, रिव्यू है, पूछे जाने वाले सवाल हैं। जब आप पैकेज पर दोस्तों क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक पैकेज है 1100 रुपये का व्यक्तिगत पूजा, ठीक। इसमें देखिए आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाला है, सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे देखिए 1501 रुपये का है ये पार्टनर पूजा, ठीक है, अधिकतम दो व्यक्तियों के लिए है ये, ठीक। और ये किसके लिए थी, ये जो है व्यक्तिगत यानी कि एक आदमी के लिए थी। अगर दो लोग हैं आप तो आप इस पैकेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए पूरा यहाँ पे आपको लिस्ट आ रही है क्या क्या आपको है इसमें मिलने वाला है फीचर्स, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और जैसे कि आप स्क्रॉल करते जाएंगे देखिए आपका पैकेज का चार्ज बढ़ता जाएगा, ये 4 लोगों के लिए है 2000 रुपये का पैकेज। और इसी तरीके से देखिए एक ये 3001 रुपये का पैकेज है जो है मतलब कि पूरे संयुक्त परिवार के लिए। तो यहाँ से आप पैकेज को पहले चुन लेंगे, उसके बाद देखिए आप भाग लें के ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक करेंगे। भाग लें के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए ये मोबाइल नंबर डाल करके सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ से बुकिंग हमारे सामने ये ऑप्शन आ रहा है। साथ में देखिए अन्य सामान भी आप यहाँ से ऐड करा सकते हैं, आपके सामने ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको टोटल देखिए आपके सामने टोटल अमाउंट कितना पे करना है आपकी पूजा के लिए वो ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद देखिए कुछ पूछे गए सवाल हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं कि क्या आपको पूजा ऑनलाइन का लाभ मिलता है कि नहीं, है ना, और मुझे गोत्र का पता नहीं है क्या उपाय, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसको आप यहाँ से क्लिक करके से
पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ने के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने पेमेंट गेटवे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सदस्य का नाम हमको यहाँ पे डालना है, गोत्र डालना है, अगर गोत्र नहीं पता है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको डालना है दोस्तों, और क्या आप पूजा का प्रसाद पाना चाहते हैं तो इस पर हाँ या नहीं ऑप्शन पर क्लिक करके देखिए आपका पता यहाँ पे भरना है। अगर आप हाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद बुकिंग बुक करने का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका दोस्तों पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुली जैसे कर देंगे वैसे दोस्तों आपकी पूजा जो है वो बुकिंग हो जाएगी और आपको वीडियो भी बना के लोग भेजते हैं पूजा होने के बाद। देखिए जैसे कि ऊपर देखिए लिखा भी, श्री मंदिर टीम आपके व्हाट्सएप पर संपर्क करेगी, कृपया आपका व्हाट्सएप नंबर जरूर भरें। तो इस पर आपको प्रूफ के तौर पर दोस्तों भेजा जाता है वीडियो का लिंक वगैरह भी, वीडियो बना करके भेजा जाता है आपके नाम के साथ में दोस्तों, कि कैसे देख पाएंगे ऑनलाइन पूजा। पूजा समापन के बाद 3 से 5 दिन के बीच आपके नाम संकल्प से हुई पूजा की रिकॉर्डिंग वीडियो श्री मंदिर ऐप की प्रोफाइल में दिखाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। प्रसाद का ऑप्शन आ रहा है, प्रसाद अगर आपको 7 से 10 दिन के अंदर प्रसाद मिल जाएगा दोस्तों। एक और फीचर है इस ऐप का, ये तो हो गया कि हम पूजा में अगर भाग लेना चाहते हैं तो एक फीचर दोस्तों है यहाँ से चढ़ावा। दोस्तों अगर आप किसी भी मंदिर में बिना मंदिर जाए चढ़ावा जो है करना चाहते हैं, कुछ चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी देख के आपके सामने दोस्तों ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से देखिए चढ़ावा सेवा का ऑप्शन आ रहा है, सबसे पहले ऊपर देखेंगे चढ़ावा सेवा है, पूजा सेवा है, ज्योतिष सेवा है और आपकी जो भी बुकिंग वगैरह है वो यहाँ पर आपको दिखाएगी। तो चलिए चढ़ावा सेवा पर हम क्लिक कर देंगे और ठीक इसी तरीके से देखिए हर मंदिर का आपके सामने ये देखिए 22 और 23 नवम्बर का जो भी पावन अवसर है इस पर भैरवनाथ मंदिर में, और जब ऐसे देखिए आप स्क्रॉल करते जाएंगे देश भर के जितने भी मंदिर हैं जगह जगह पे। तो चलिए यहाँ से हम देखिए जैसे खाटू श्याम का मंदिर यहाँ पे आ रहा है, तो खाटू श्याम के मंदिर में देखिए यहाँ से हम कुछ चढ़ावा चढ़ाना चाहते हैं तो इस चढ़ावा के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे दोस्तों। अब जैसे देखिए ये रहा हनुमानगढ़ी मंदिर है, हनुमानगढ़ी यानी कि अयोध्या का मंदिर, तो इस अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भी आप देखिए चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। इसमें देखिए क्या क्या आपके सामने ऑप्शन मिल रहा है, सिंदूर चढ़ा सकते हैं अब हनुमान जी को, 2500 रुपया इसका लगेगा, और बूंदी के लड्डू चढ़ा सकते हैं, 41 रुपीज़ लगेगा। इस तरीके से और भी सारे आपके सामने ऑप्शन देखने को दोस्तों मिल जाएंगे, तो आपको जो भी चढ़ाना है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद देखिए चुने के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और कुछ मल्टीपल आइटम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ें के ऑप्शन पर दोस्तों हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हमको सबसे पहले अपना नाम डालना है। उसके बाद भुगतान करने के लिए देखिए हमारे सामने आ रहा है 2500 रुपये हमको पेमेंट करना रहेगा। कुछ यहाँ पे दोस्तों पंडित जी को अगर आप दक्षिणा देना चाहते हैं तो यहाँ से आप दक्षिणा को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके सामने देखिए टोटल अमाउंट आ गया है, भुगतान करने के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट दोस्तों कर सकते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों साप्ताहिक चढ़ावा सेवा का भी ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप हर सप्ताह यानी कि हर हफ्ते अगर आप चढ़ावा आपका चढ़ जाए तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका UPI ऑटो पे हो जाएगा कि आपके अकाउंट से जो है हर हफ्ते पेमेंट कट जाएगी और आपका जो है वो चढ़ा दिया जाएगा प्रसाद जो भी मंदिर को आप सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। एक बार चढ़ाने के लिए एक बार के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, उसके बाद आप डायरेक्टली देखिए पेमेंट गेटवे पे आ गए हैं। तो पेमेंट करने के बाद हमारा जो ये चढ़ावा है वो बुकिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो भी आप चढ़ावा या फिर पूजा बुक किए रहेंगे वो आपको यहाँ पर आपके बुकिंग के ऑप्शन पर दोस्तों देखने को मिल जाएगा। साथ में देखिए ज्योतिष सेवा भी है, तो आप किसी ज्योतिष से बात करना चाहते हैं, चैट करना चाहते हैं, आपकी किसी भी समस्या को पूछना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके देखिए आप इसमें बात भी कर सकते हैं बहुत सारे ज्योतिषों से। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे श्री मंदिर ऐप के जरिए आप चढ़ावा चढ़ा सकते हैं या फिर आप पूजा में भाग ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।